हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट्स की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत हमेशा से ही अद्भुत कला और संस्कृति का देश रहा है। प्राचीन काल से भारत में महान राजाओं का जन्म हुआ है, जिन्होंने भारत के राज्यों पर लंबे समय तक राज किया है। और इन राजाओं ने भारत में बड़े बड़े और एक से बढ़कर एक किलों का निर्माण कराया, जो सिर्फ कला और संस्कृति तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये सुरक्षा के उद्देश्य से भी बनाए गए थे। भारत में कई ऐसे किले भी बनाए गए हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई रहस्य और डरावनी कहानियां छिपी हुई है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं भारत के सबसे रहस्यमय किलों के बारे में, जो आज तक इतिहासकारों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। किला नंबर 1, शनिवारवाड़ा फोर्ट। दोस्तों, शनिवारवाड़ा फोर्ट भारत के सबसे डरावने किलों में से एक है, जिसे 1732 ईस्वी में पेशवा बाजीराव के सम्मान में बनाया गया था। दोस्तों, शनिवारवाड़ा किला पुणे में स्थित है, जो अपनी विशाल वास्तुकला के अलावा यहां होने वाली कई डरावनी घटनाओं के वजह से भी जाना जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात को यहां अलौकिक गतिविधि बहुत ज्यादा होती है, और इन भूतिया घटनाओं के पीछे की कहानी बताती है कि एक राजकुमार की यहाँ निर्दयता पूर्ण हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और रात के समय किले से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। नंबर 2, रोहतासगढ़ का किला। दोस्तों, रोहतासगढ़ का किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन किला है, जिसे भारत में सबसे रहस्यमय किला माना जाता है। और इस किले का निर्माण अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतासव ने करवाया था, और यह किला समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया जाता था। दोस्तों, इस किले के बारे में ऐसी कहानी प्रसिद्ध है, जिसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोगों और कुछ कहावतों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता था, और रात में जोर जोर से चीखने की आवाजें भी सुनाई देती थी, जिसके पीछे का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जिस कारण पर्यटकों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी दिन ढलने के बाद यहाँ जाने से डरते हैं। नंबर 3, गोलकोंडा किला। दोस्तों, हैदराबाद में हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोलकोंडा किला भारत के रहस्यमय किलों में से एक है, और इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था, लेकिन इसके कई शासकों की सनक और रिक्तियों के कारण इसमें अनेक नवीनीकरण बदलाव देखे गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गोलकोंडा किले में भी अजीबोगरीब घटनाएं होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस किले में राजा की आत्मा को नृत्य करते देखा गया है, जो कभी राजा का मंच हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ कई शूटिंग ग्रुप्स द्वारा इस किले में अजीब आवाजें और लाइट्स दिखे जाने की भी बातें कही गई हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।